పార్లమెంటు ఆవరణలోని గాంధీ విగ్రహం దగ్గర టీడీపీ ఎంపీలు నిరసన తెలిపారు. ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాతో సహా విభజన హామీలు అమలు చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్పై మోదీ సర్కార్ వివక్ష చూపుతోందని మండిపడ్డారు. మహాశివుడి వేషధారణలో ఎంపీ శివప్రసాద్ నిరసన తెలిపారు. மோடி எங்கிருக்க சொல்லணும் அவருக்கு எங்கிருக்கே சொல்லணும் மோடி உடனே ஆசீர்வாதம் పార్లమెంట్ సమావేశాలను ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం. మేడం, క్వశ్చన్ నెంబర్ 241 ఏ టు డి, అ స్టేట్మెంట్ ఇస్ లేడ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఆఫ్ ద హౌస్. अनुभव किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना जो पहले श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाती थी उसमें बीपीएल परिवार एवं असंगठित क्षेत्र से जो लोग आते हैं वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाया करते थे तो उन्हें यह स्वास्थ्य सेवा लेने में बहुत कठिनाई होती थी. मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो मैं लेकर साथ में आया हूं कि मेरे क्षेत्र से बीपीएल के आए हुए लोग, बिहार सरकार का यह कागज है बीपीएल का, आए हुए लोग यहां आए और उन्होंने आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको सुविधा नहीं मिली. ऐसे अनेकों उदाहरणें जो हमारे सामने आए हैं. इस विसंगति को दूर करने के लिए मंत्री जी क्या क्या कदम उठाएंगे? मैडम, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी वह योजना आयुष्मान भारत में सबस्यूम कर दी गई है और सबस्यूम करने के कारण जितने भी स्टेट्स में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी और जिन स्टेट्स ने आयुष्मान भारत को फॉलो किया है उसमें वो सारी स्कीम सबस्यूम कर गई है. हमने आरएसबीवाई के योजना के से लर्निंग्स लेकर के उसमें जो कमियां थी उसको ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत में इस स्कीम को पेपरलेस, कैशलेस और पोर्टेबल बनाया है. इसलिए अब इसका लाभार्थी किसी भी स्टेट में किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर अपना इलाज करा सकता है और उसकी डायरेक्ट पेमेंट आयुष्मान भारत की तरफ से वो स्टेट से उस इंस्टीट्यूट को हो जाएगी. जो ये कागज दिखा रहे थे ये मुझे दे दें, मैं इसकी जांच करवा लूंगा, लेकिन अभी तक हमारे पास ये पोर्टेबल है और कैशलेस है और इस तरीके की कोई कंप्लेंट्स नहीं आई. अध्यक्ष महोदय, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कागज हैं और बिहार सरकार के बीपीएल के कागज हैं जहां पर उनको यह सुविधा नहीं मिली है. तो मैं माननीय मंत्री जी को यह कागज अवश्य अभी दिलवा दूंगा और ऐसे अनेकों मेरे पास और हैं जो इनके पास मैं पहुंचवा दूंगा. एक जो श्रम मंत्रालय की तरफ से आरएसबीवाई यानी राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना के जो कार्यक्रम चलते थे उसके अंदर भ्रष्टाचार और घपले के बहुत सारे केस आए थे. ऐसे ही अनेकों केस निजी अस्पतालों में आज भी सुनने को मिल रहे हैं जहां पर लोगों की शल्य चिकित्सा कर दी जाती है. वह गरीब आदमी जो अनजान है, जानता नहीं है, उनसे ऐसे में पैसे ऐठ लिए जाते हैं. तो क्या आयुष्मान के अंतर्गत सेकेंड ओपिनियन लेने की कोई प्रावधान होगी जिससे कि वह गरीब आदमियों को लूटा नहीं जाए, भ्रष्टाचार नहीं हो और घपले ना हो? आयुष्मान भारत का उद्देश्य गरीब मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो डिप्राइव्ड है उसको वो फैसिलिटी मिले. आयुष्मान भारत के तहत डिजिटल चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत डेवलप किए गए हैं और उस चेक्स एंड बैलेंसेस के द्वारा किस हॉस्पिटल में कौन सा ऑपरेशन अधिक हो रहा है, कौन से पेशेंट्स अधिक आ रहे हैं, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है, इसकी भी हम स्क्रूटनी करते रहते हैं. इसलिए इस तरीके का कहना कि वो ऐंठ लेंगे ये संभव नहीं है और
और हमारी कोशिश है, क्योंकि हम जहां तक डबल ओपिनियन का सवाल है, हम इसके एक सेट प्रोसीजर हमने बनाया है कि किस तरीके से पेशेंट को हम प्रोसीजर की तरफ ले जाएं। आरतीबेन श्याम, थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी को अभिनंदित करना चाहती हूँ कि विश्व के सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी आयुष्मान भारत को लॉन्च किया और 10 करोड़ परिवार से ज़्यादा लोग, जैसे कि 50 करोड़ लोगों को हमारे देश में इनका लाभ मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैडम पूरे विश्व में योग डे, आयुर्वेद दिवस और नेत्रोपैथी डे जैसे दिन मना के हमारी भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो